वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, आज एक हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक बन चुका है यहाँ पर, और आने वाले कुछ टाइम में आपको ये 10 गुना रिटर्न दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से 12 गुना रिटर्न तो ये दे चुका है और आने वाले कुछ सालों में आपको 10 से 12 रिटर्न और दे सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर सेल करता है, और यहाँ पर जो ब्रांड है इनके पास रिवोल्ट का, वो इंडिया का एक लीडिंग ब्रांड है इलेक्ट्रिक बाइक्स में। तो अभी अभी जो नया बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्रोन का जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में, माइनिंग में और सर्विलेंस में, लॉजिस्टिक्स में, डिफेंस में, इमरजेंसी रेस्क्यू में, सभी का यूज़ किया जाता है। और कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आने वाले करीब 10-12 सालों के अंदर ये जो इकोनॉमी है यहाँ पर 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही होगी। और ये जो बिजनेस है आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है, एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और यहाँ पर ड्रोन्स का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है, और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, जहाँ से इनकी कमाई जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। और अब तक ये कंपनी जो है कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी अपने प्रॉफिट्स में, यानी बैलेंस शीट्स में, बट यहाँ पर अब इस बिज़नेस में एंटर करने के बाद इनका जो बिज़नेस है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो गाइस, नाम आपको सामने ही देखने को मिल रहा होगा, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस जो है 54 रुपीज़ पर चल रहा है, और ये जो लो बनाया है जब से लिस्ट हुआ है 1.50 रुपीज़ का इसका लो रहा था और 71 रुपीज़ का इसका हाई रहा है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो ये जो कंपनी है पहले जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स में काम किया करती थी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी थी, बट यहाँ पर जो राजीव रतन है चेयरमैन ऑफ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, इनका कहना है कि हम जो आगे ग्रोथ आने वाली ग्रोथ वाले बिजनेसेस हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो ग्रोथ करने वाली कंपनी है ई मोटरसाइकिल्स, ड्रोन्स, ई कॉमर्स एंड फिनटेक। फिनटेक अगर नहीं पता है, ई कॉमर्स तो मोस्टली लोगों को पता है, फिनटेक मैं बता दूं कि फाइनेंशियल फील्ड में जितने भी, यानी कि बैंकिंग या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनको बहुत सारी फाइनेंस की रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत रहती है, तो इन सब की पूर्ति ये कंपनी कर सकती है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने ई मोटरसाइकिल्स और ड्रोन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। तो जो उनका पुराना नाम था रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बिज़नेस को छोड़कर आगे आने वाले ग्रोथ में बिज़नेस करने के लिए इन्होंने अपना नाम चेंज करने के लिए NSE BSE दोनों में ही अप्रूवल डाला हुआ था, जो कि यहाँ पर अप्रूव कर लिया गया, और इनका नाम जो है वो 7 अप्रैल 2021 में चेंज होकर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी जो है वो आने वाली न्यू एज जनरेशन की जो बिज़नेस ग्रोथ करने वाले बिजनेस हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने इसके लिए 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया रिवोल्ट मोटर्स में। रिवोल्ट मोटर्स में जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली मार्केट की एक लीडिंग कंपनी है, बहुत बड़ी लीडर है इंडिया में, जिसका पूरा नाम है रिवोल्ट इंटेलिकॉर प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है जिसके को फाउंडर है माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा, इनकी ये कंपनी है जिसमें 150 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर बोट्स में अपनी 43% की प्रेजेंस हासिल कर ली है। तो यहाँ पर इसके बाद इन्होंने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट बाइक की सेलिंग कर यहाँ पर भी प्रॉफिट उनके ऐड होने लगे, बट ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, 0-0 प्रॉफिट्स दर्ज कर रहे थे, बट यहाँ पर 60% स्टेक इन्होंने ओन किया है थ्रोटल एरो स्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ड्रोन बनाने वाली एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है। और इन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं किया है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से, इन्होंने जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है नियो स्काई, इन्होंने उस सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और 60% स्टेक हासिल किए। जिसके बाद टास जो कि इसका एक शॉर्ट नेम है, यहाँ पर इन्होंने जनरल सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इन्होंने अप्रूवल ले लिया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सिविल एंड मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स को। यहाँ ये अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, 360 डिग्री के ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें ड्रोन के सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और सर्विसेज सॉल्यूशन सभी कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंस पर। तो फाइनेंस में यहाँ पर आके देखने पर आपको देखने को मिल रहा होगा 54 रुपीज़ पर अभी ये करंट मार्केट में ट्रेड कर रहा है, 71 रुपीज़ का ईयरली इसने हाई बनाया है, यानी कि ये हाई बनाकर अभी अभी 54 रुपीज़ पर आया है। ये हाई इसने
कुछ ही दिनों के अंदर बना दिया था और यहाँ पर लो देख सकते हैं 20 रुपीज़ के आसपास का इसका ईयरली लो है। मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं 7,471 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो आने वाले आप कहेंगे कि 8 से 10 सालों में ये मार्केट कैपिटल कितना हो सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये मार्केट कैपिटल करीब यहाँ पर 7 गुना से 8 गुना बढ़ सकता है। 50,000 करोड़ पर इनका ले जाने का मुझे टारगेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बुक वैल्यू जो है 5 रुपीज़ के आसपास चल रही है, तो 5 रुपीज़ की बुक वैल्यू जो है वो करंट मार्केट प्राइस से बहुत कम है और करंट मार्केट प्राइस इससे करीब 10 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि ये स्टॉक के प्राइजेस जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, यानी एंट्री लेने लायक मुझे अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इसमें थोड़ा सा वेट करें और करीब 45 या 40 रुपीज़ तक आने का इसका वेट करें, वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। अगर करंट में लेना चाहते हैं तो अपना जो इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में हम करना चाहते हैं उसका 10-20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गिरावट मिलती है तो एवरेजिंग वहां पर कर सकते हैं। और यहां कंपनी पर डेट देखेंगे तो 150 करोड़ का इस पर डेट है, जो कि यहां प्रॉफिट देखा जाएगा नेट प्रॉफिट तो 554 करोड़ का इसका अभी अभी प्रॉफिट निकल कर आया है फर्स्ट टाइम, इतना ज़्यादा निकल कर आया फर्स्ट टाइम में भी, जीरो से सीधा 554 करोड़ का, जिसमें आप कह सकते हैं कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कही जा सकती है क्योंकि प्रॉफिट जो है वो डेट से कहीं ज़्यादा है। और यहाँ कैश फ्लो इनके पास अभी नहीं रखा हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में कैश फ्लो रखें आगे और ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, दूसरी कंपनी उसको और एक्वायर करने के लिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं 74.8% की अभी रखी हुई है। कंपनी के यहाँ पे प्रोज और कॉन्स देखें तो ज़्यादा कुछ देखने को अभी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी ग्रोथ आना शुरू हुई है कंपनी में। और यहाँ पर जब हम बैलेंस शीट देखेंगे और चार्ट्स देखेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से जंप किए हैं, सेल्स किस तरह से जंप किए हैं, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर CAGR देख सकते हैं 5 ईयर का 31.91% का रहा है, और यहाँ पर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 3 ईयर्स की तो यहाँ पर 62.69% देखने को मिली है। बट यहाँ पर बुक वैल्यू ये कह रहे हैं कि 10.69 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा है बुक वैल्यू से, प्राइसेस ज़्यादा है। कंपनी में डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं बट डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी कंपनियों में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। यही सोचकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में लेकर रखना है स्टॉक को और आपको एक बड़ा सा रिटर्न चाहिए है। यहाँ पर कंपनी में देखेंगे तो अदर इनकम आ रही है, यानी कि जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है वहाँ से इनकम आ रही है, इसलिए इनको अदर इनकम कहा जा रहा है। कंपनी में यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 75% की 2019 जून में रहा करती थी, बट यहाँ पर मार्च 2022 में देखेंगे तो 74.80% की इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग रखी हुई है, और बाकी की जो है इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर शिफ्ट की हुई है। FIS की होल्डिंग देखेंगे तो 9.03% की, बहुत ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर FIS की है। DIS अभी एंट्री नहीं मिली है, अगर ये कोई शेयर बेचेंगे यानी कि अपने स्टेक बेचकर अगर पैसा जुटाना चाहेंगे तो हो सकता है कि DIS की भी यहाँ पर एंट्री हो जाए, बाकी बचा हुआ पब्लिक के पास होल्ड है। और यहाँ पर बैलेंस शीट में आप आकर देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉसेस किस तरह से चल रहे हैं, सेल्स और प्रॉफिट्स देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू तो यहाँ पर बढ़ा था बट प्रॉफिट यहाँ पर गिरते हुए नज़र आए थे, जो कि बहुत बैड कंडीशन रही थी। और यहाँ पर देखेंगे तो फिर से आपको वही देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बढ़ा था यहाँ पर। और फिर देखेंगे सबसे बड़ी जंप यहाँ पर देखने को मिली है कि रेवेन्यू यहाँ पर 592 करोड़ यहाँ पर बढ़ा है, और प्रॉफिट यहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हाई रखे हुए होंगे, जिस वजह से यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आया और प्रॉफिट देखेंगे तो 553 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत बड़ी जंप है। तो यहाँ पर स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, बट जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी स्टॉक के प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन की बात यहाँ इस स्टॉक के अंदर है ही नहीं, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। मैनिपुलेशन इस स्टॉक के अंदर अभी तक नहीं देखा गया है क्योंकि इस पर फ्लैग्स नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बट थोड़ा सा वेट कर प्राइसेस थोड़े से और कंट्रोल में आ जाने दें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आपका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है इस स्टॉक के अंदर उसका 10-20% अभी कर सकते हैं, और बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर प्राइसेस गिरते हैं तो एवरेज करने के काम आ सकता है। स्टॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है, ये आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, और फिर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।